भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। इतनी विशाल दैत्य सेना हमने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। हमें शीघ्र देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। तारकासुर रूपी ये भयानक संकट देवर्षि नारद के कारण ही उत्पन्न हुआ है। यदि हम उस दिन इसकी तपस्या खंडित करने का प्रयास करते तो आज ऐसा भयानक संकट उत्पन्न ही नहीं होता। ये संकट काल है वरुण देव, इस समय उचित तो यही होगा कि हम एक दूसरे के दोषों को ढूंढने के स्थान पर इस संकट को समाप्त करने का उपाय सोचें। क्यों ना हम इस संकट तारकासुर को स्वयं की दैवी शक्तियों से नष्ट करने का प्रयास करें। हाँ, यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निस्संदेह देवराज इंद्र के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्वर्ग की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व है और निर्धारित कर्तव्य है। हम इस दुष्ट तारकासुर को ऐसा भयानक दंड देंगे कि भविष्य में अन्य कोई भी दैत्य स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस न करे। वरदानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की मूढ़ बुद्धि असुरो, हम तुम्हें स्वर्ग लोक में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। पवनदेव प्रहार। से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हो और सुख ऐश्वर्य का भोग वीर ही लगाते हैं। तुम अपनी भयंकर विध्वंसक और मारक प्रहारों से देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए विवश कर दो। आक्रमण करो। देवताओं के छल के कारण ही पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य शक्ति को अब अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। दैत्य वीरों, वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर
आने वाले भविष्य में दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। हमारी छत्र छाया में तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बतानी दैत्यराज तारकासुर की, बतानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, बतानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। इन दुष्ट भीरु देवताओं को मृत्यु दंड दिया जाए। असुर वीरों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उस भीरु इंद्र को स्वयं अपने बहुबल से परास्त करूंगा, स्वयं अपने बहुबल से। नेत्राज तारकासुर की जय। नेत्राज तारकासुर की जय। नेत्राज तारकासुर की जय। अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप दोनों इतने भयभीत क्यों हो द्वारपालो? कुछ ना पूछे देवराज, दुष्ट तारकासुर ने आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया है। दैत्य सेना मारक और विध्वंसक है देवराज। समझ देवता, दैत्यों के प्रहार से अचेत होकर पृथ्वी लोक की ओर पतित हो गए। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज। शांत हो और ये बताओ, देवताओं और दानों का युद्ध प्रारंभ हुआ? प्रारंभ नहीं देवराज, दैत्य सेना के प्रहार से देवता और स्वर्गलोक की भारी क्षति हुई है। मेरी अनुमति के बिना युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा किसने दी? क्षमा करें देवराज, वरिष्ठ देवताओं की इच्छा थी कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने प्रयासों से आपको प्रसन्न करें। मूर्ख है वो, उनके मूर्खतापूर्ण निर्णय का दुष्परिणाम अब स्वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की जय। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की जय। स्वयंभू। वरदानी वीर दैत्यराज तारकासुर की जय। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की जय। अति सुंदर। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तूने दुस्साहस से स्वर्ग में प्रवेश कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मूर्ख, स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर लौट नहीं सकता। स्वयंभू, स्वयंभू। शक्तियों की चाटुकारिता करने वाले भीरुवेंद्र, मैं यहाँ स्वर्ग से लौटने नहीं अपितु स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ। यदि तू अपने प्राणों का इच्छुक है तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरे चाटुकारिता कर। दैत्यराज महाबली तारकासुर की मुझसे प्राणों की भीख मांग, मेरी जय जयकार कर। मैं तुझे अभेदान अवश्य दूंगा, अन्यथा स्वयंभू। मैं अब तक ये सोचकर तुम्हें क्षमा करता रहा तारकासुर कि तुम मेरी विमाता दीदी के पौत्र हो और मेरे प्रिय भ्राता वज्रांग के पौत्र हो। Ha 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 ha
अन्यथा तो भीरु इंद्र परम शक्ति संपन्न दैत्य राज तारकासुर का वध ही कर देता स्वयंभू। अरे मूड तनिक स्वयं को देख और देख संसार के समस्त शक्तियों के केंद्र दैत्यराज तारकासुर को। अरे तू तो मेरे दृष्टि का प्रहार भी झेलने के योग्य नहीं है स्वयंभू। बालक तारकासुर, अब कहां गया तेरा स्वयंभू? सर्वोच्च शक्ति तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। अपने उद्दंडता का परिणाम देख। कहा गया भीरु इंद्र, इस बार तो तू बच गया किंतु भविष्य में तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं स्वयंभू। सुंदर, अति सुंदर, तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हें देखकर तारकासुर के मन में प्रेम दया क्षमा के भाव क्यों जागृत होने लगे स्वयंभू? मेरे निकट आओ, स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम बाबरे तारकासुर तुम्हें अपनी दैत्य महारानी बनाएंगे। देवराजेंद्र, आज आपको इस भयानक परिस्थिति में देखकर सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी दुखी हो गया है। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि, इस समय आपके परामर्श की मुझे आवश्यकता थी, कृपया मेरी सहायता करें। देवराजेंद्र,
जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता उसकी सहायता तो परमात्मा ही नहीं करते। अर्थात? अर्थात आश्चर्य की बात है, राजनीत के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति और उसकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है। देवराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्वार्थवश अन्य किसी बात का स्मरण ही नहीं रखते? पराजय के अपमान से मेरा चित्त उद्विग्न है, कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें, मेरी सहायता करें देवर्षि। मैंने कहा ना देवराज कि सहायता उसी की जाती है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हो। आपको संभवतः स्मरण नहीं, मैंने इसी तारकासुर की तपूर्णता से पूर्व आपको श्री परमदेव महागणेश की आराधना करने का परामर्श दिया था, किंतु आप देवराज इंद्र, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने वाले, आप तब जैसा कठिन कार्य कैसे कर सकते थे? नारायण नारायण। कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें, मेरे भूल को भुला दें, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें देवर्षि, और पुनः मुझे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति बना दें। यही चाहते हैं ना आप देवराज? देवराज इंद्र, ये तो एक ना एक दिन होना ही। हाँ, यदि आप सावधान होते तो संभवतः आपको ये अपमान का घूंट ना पीना पड़ता। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ स्वर और बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैंने वज्रांग को अपना मित्र बनाया और स्वर्ग पर आया हुआ संकट टल गया, किंतु इस बार स्वर्ग के मूढ़ देवताओं ने मुझे तारकासुर पर यह औषधि प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया। नारायण नारायण, यदि आप औषधि प्रयोग करते देवराज तब भी यही परिणाम होता, क्योंकि यह तारकासुर आपकी विमाता और दैत्यों की माता दिति के क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष और क्रोध के अहंकारों से बना है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, इस दुष्ट तारकासुर को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं। शत्रु कभी भी संकोच नहीं करता देवराज, क्योंकि उसके लिए ना ही कोई वरिष्ठ और ना ही कोई गुरु होता है, उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है और वो है विजय। देवऋषि, आप तो देवताओं के ऋषि हैं, सत्य तो यह है कि हम देवता आप पर आश्रित हैं, हमारी रक्षा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये सत्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि संकट में पड़ा व्यक्ति भाषा का संयम कैसे सीख जाता है। आपको श्री महागणेश की सौगंध है देवर्षि, आप इस तारकासुर के संकट से हमारी रक्षा करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप तनिक स्मरण करें कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को क्या वरदान दिया था। परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिव पुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था, किंतु देवी सती के आत्मत्याग के पश्चात महादेव ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है, शिव पुत्र होने की अब तनिक भी संभावना नहीं है। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, किसी भी व्यक्ति की असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया। नारायण नारायण। आप कार्य के प्रारंभ में ही निराश हो गए। निराश ना हो तो क्या करूं देवर्षि? प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शिव पुत्र का अवतरण हो, तारकासुर का नाश हो और आप पुनः स्वर्गाधिपति बन सके। नारायण नारायण। कैसे प्रयत्न करें, क्या प्रयत्न करें, कहां प्रयत्न करें? हर एक को भ्रमित करने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। नारायण नारायण। भाषा का संयम इतना शीघ्र टूट गया देवराज? देवराज इंद्र, अब आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, आपका और आपके स्वर का उद्धार केवल श्री महागणेश ही कर सकते हैं, यह परामर्श मैंने पहले भी आपको दिया था। इसीलिए देवराज इंद्र, आप पूर्ण समर्पित भाव से श्री महागणेश की आराधना करें, वे विघ्नेश्वर हैं, आपके जीवन में आए समस्त विघ्नों का अंत वे केवल क्षण मात्र में ही कर देंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण।